यार so, yeah, हमने हमने में incomplete dominance cover किया था, था पे हमने ये देखा था कि uh, कैसे रिसेसिव अलील ने अपना चमत्कार दिखाया और वो dominant अलील के ऊपर हावी हो गई कि हर बार तेरी नहीं चलेगी इन समय और उसने फिनोटाइप बदल दिया आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो उसी के आगे कंटिन्यूएशन में है that is, इनकम्प्लीट में problem हो रही थी कि जो recessive अलील थी वो फिर भी कहीं ना कहीं दब दबती रही डोमिनेंट अलील से ठीक है वो लड़ी अपने लिए उसमें थोड़ी बहुत ही अपनी इंटरफेरेंस दिखाई लेकिन वो पूरा हक नहीं हासिल कर पाई पर को के केस में वो रिसेसिव अल कहेगी मैं भी जाऊंगी अगर तू जाएगा तो तो यहां पर फिनोटाइप में दोनों चीज एक्सप्रेस होंगी डोमिनेंट भी रिसेसिव भी आइए देखते हैं कैसे

पर कोडोमेंस में डोमिनेंट भी आएगा recessive भी आएगा। तो जैसे भी पेरेंट्स आएंगे तो यहाँ लिखा भी है किसी को भी resemble नहीं कर रहा था ठीक है जी अड एग्जाम्पल टू स्टडी को different types ऑफ रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ब्लड है fluid कनेक्टिव टिश्यू जो किससे बनाए, सारे सेल्स, जिस सेल्स जिसमें वन ऑफ़ द हमारा सेलुलर सरफेस है उस पे कुछ ग्लाइको अटैच्ड है वही मैंने आपको हमेशा से समझाया बनी तो पूरी बॉडी रॉ मटेरियल्स की हुई है ना वही कार्बोहाइड्रेट वही प्रोटीन्स वही फैट्स तो लो आ गए ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन ये बैठे होते हैं आरबीसी की सरफेस पे और हर ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन पे एक एक ब्लड ग्रुप अटैच हो जाता है तो जिसकी वजह से हमारे ब्लड का ग्रुप होता है ठीक है हाँ, सबका अपना यूज करते हैं आई और आई के साथ हम अलील पेयर लगाते हैं द प्लाज्मा हमारा रेड ब्लड सेल और ये रही रेड ब्लड सेल की प्लाजमा तो जो ग्लाइकोसोल्ड बाई दीन अब यहाँ पे कौन सा लगेगा फैक्टर आई के ऊपर वो डिपेंड कर, करेगा हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ठीक है जी द जीन आई है या तो I के ऊपर A लग सकता है या I के ऊपर B लग सकता है या I के ऊपर C आ, वो लग सकता है सॉरी oh, तो A ब्लड 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 ग्रुप 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 B group, O ठीक है और अलील कौन सी लगेगी आई क्योंकि जीन की रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म यहाँ पे हमने आई बताई है ठीक है जी तो जीन आए है थ्री अलील ए बी एन ओ जिसको हम इसको हम स्मॉल आई की तरह भी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे

क्योंकि ए कंप्लीटली डोमिनेंट है ओ पे सिमिलरली आई बी और आई जीरो होगा तो हमारा बी होगा क्योंकि बी कंप्लीटली डोमिनेंट है ओ पे लेकिन अगर दोनों आई ए और आई बी होगी तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा क्योंकि ए और बी को डोमिनेंट है मतलब वो दोनों ही डोमिनेंट है वो एक दूसरे को एक दूसरे पे जीतने ही नहीं देगी यहाँ कोई रिसेसिव अलील बची ही नहीं दोनों ने अपने आप को बराबर का एक्सप्रेस कर दिया ठीक है जी इन अदर वर्ड्स व्हेन आई एंड स्मॉल आई आर प्रेजेंट तो सिर्फ आई ए एक्सप्रेस होगी और क्योंकि आई तो कोई शुगर प्रोड्यूस ही नहीं करती और बी में भी सेम केस होगा बट

starch is synthesized by bb homozygotes and therefore large starch grains are produced in contrast jo small b small b hoti hai uski lesser efficiency hoti hai starch synthesis mein to wo chote starch grains produce karti hai they have this ncrt has given one example after maturation of seeds capital b wale seeds are round and small b wale are wrinkled so heterozygotes produce round seeds and

फॉर that that कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हम dominant ये नहीं बता सकते कि फिनोटाइप यही आएगा पक्का पक्का क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेस जैसी चीजें भी एग्जिस्ट करती है ठीक है जी इट डिपेंड्स एज मच एज ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर फिनोटाइप जीन प्रोडक्ट मतलब वो दो एलील्स कौन सी हैं